रात को 10-10:30 बजे करीब कहीं मिलने वाले के खाना खाने गए हुए थे बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ। तो हम 12:15 बजे करीब वापस लौटे तो घर के अंदर हमें आभास हुआ कि घर के अंदर कोई है। अब मेरे बाइक पे था और दो बच्चे मेरे साथ में थे, तो पत्नी ने ताला खोला और वो जल्दी दौड़ के अंदर गई। वो अंदर गई तो उसने धक्का दिया और घर से मतलब जीने से सीढ़ियों से होता हुआ घर से पास के प्लॉट में कूद के भाग गया। और हमने पकड़ने की कोशिश करी, आस पड़ोसी को चिल्लाकर आवाज़ लगाई, मगर आस पड़ोसी भी इकट्ठा हुए। मगर वो ये घर के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज का खुला एरिया होने के कारण और अभी बरसात के मौसम में बड़ी बड़ी घास होने के कारण वो पकड़ पाने में हम कामयाब नहीं गए और वो अंधेरे में भाग गया। क्या क्या वो घर से करीबन 200 ग्राम के आसपास चांदी और 5-1 हज़ार रुपये मेरी पत्नी के बचाए हुए अलग से पैसे, वो उसकी ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखे हुए थे एक डिब्बी में, तो उस डिब्बी में से निकाल कर ले गया। लगभग वो 5,000 रुपये कैश वो डिब्बी के अंदर जो थे ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए थे मेरी वाइफ ने, और चांदी थी 200 ग्राम के आसपास चांदी थी, 14-15 हज़ार रुपये के आसपास। जी नाम, मेरा नाम हेमंत कुमार है। दिनांक 22/8/19 को एक सालू शर्मा नाम परिवादिया द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई कि मैं 21 तारीख को मेरे पति हेमंत कुमार के साथ किसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए खाना खाने के लिए गए थे। रात को करीब 12:15 बजे जब वापस आए और जैसे ही हम घर में प्रवेश करने लगे तो हमारे घर के मुख्य गेट का मैं दरवाज़ा खोल रही थी, उसी दरमियान मेरे घर के अंदर के कमरे से एक व्यक्ति जो निकल कर भागा, जिसको हमने पकड़ने का प्रयास किया परंतु वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। घर में जाके हमने मालूमात किया तो बच्ची के कनकती नहीं पाजेब और कनकती करीबन 200 ग्राम के जो वो रखी हुई नहीं मिली, और मेरे पति के जो पैसे थे दराज में रखे हुए थे 5,000 रुपये वो भी वहाँ से वो अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गए। ये रात्रि की 12:15 बजे बाद है। उस मुताबिक इतला पर रात्रि को डीओ ड्यूटी में मैं भी उपस्थित था, इतला के अनुसार पहुँचे वहाँ कॉलेज के इर्द गिर्द रेलवे लाइन सभी जगह तलाश की और रात्रि को समय में उस व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तलाश की गई मुताबिक उलिए के अनुसार, लेकिन उस उलिए के मुताबिक कोई व्यक्ति रात्रि को नज़र नहीं आया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है, अनुसंधान जारी है। लगभग माल कितने का, माल कितना होगा सर? 200 ग्राम चांदी बताई है और 5,000 रुपये नगद राशि। मकान किस जगह से होगा? ये इंदिरा कॉलोनी बड़गांव। किसका मकान है? ये हेमंत कुमार है एडवोकेट और जो उसकी पत्नी है सालू। सर आपका नाम? बाबूलाल बिश्नोई है, सही पुलिस थाना आदर्श नगर।